हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन। चलिए आज हम इंग्लिश में एक न्यू अल्फाबेट लर्न करते हैं। लास्ट अल्फाबेट हमने कौन सा लर्न किया था? एक्स। एक्स फॉर क्रिसमस ट्री, याद आ गया ना सबको? तो एक्स के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? वाई। आपको फोनिक्स क्या करना है? वाई फॉर याज, य य य। आपका फोनिक्स क्या होगा? य य य। ओके फ्रेंड्स, तो पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए, ये है कैपिटल वाई। देखिए, ये है कैपिटल वाई जो मैंने फिंगर से ट्रेस किया, ये है स्मॉल वाई जो भी मैंने फिंगर से ट्रेस किया। अभी मैं आपको ऑब्जेक्ट दिखा देती हूँ। देखिए, ये है यो यो। सबके पास है ऐसा टॉय यो यो, तो वाई फॉर यो यो, य य य। वाई फॉर यान, य य य। वाई फॉर याच, य य य। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए, ये है हमारा कैपिटल वाई और ये है याच। समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको? अभी मैं आपको सैंड में लिखना सिखाऊंगी। तो देखिए, हम पहले कैपिटल वाई लिखते हैं। तो कैपिटल वाई लिखने के लिए हमें क्या करना है? एक छोटी सी स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, दूसरी छोटी सी स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे और उसको ज्वाइंट करके एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा कैपिटल वाई। अभी स्मॉल वाई बनाएंगे हम। तो स्मॉल वाई बनाने के लिए एक छोटी सी स्लैंटिंग लाइन और एक बड़ी सी स्लैंटिंग लाइन। तो दिस इज अ स्मॉल वाई। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बुक में लिखना सिखाऊंगी। तो बुक में हम कैसे लिखेंगे वो भी आप अच्छे से देखना। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, ये है हमारी फोर लाइन वाली बुक। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रेड लाइन से टच करके हम ब्लू लाइन तक स्लैंटिंग लाइन करेंगे, फिर रेड लाइन से टच करके हम दूसरी स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे और ऐसे एक स्टैंडिंग लाइन होगी। तो ये बन गया हमारा कैपिटल वाई। और स्मॉल वाई हम फ्रेंड्स दो ब्लू लाइन के बीच में लिखेंगे। तो मैंने बताया था ऐसे एक छोटी सी स्लैंटिंग लाइन और उसको टच करके नीचे की रेड लाइन से एक बड़ी सी स्लैंटिंग लाइन। सो दिस इज अ स्मॉल वाई। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसी वर्कशीट भेजूंगी या तो फिर मम्मी को बोलना कि आपको बुक में लिख के दे। और लिखना कैसे है आपको? फोनिक्स के साथ, वाई फॉर याज, य, य, य। और फिर मुझे फोटो सेंड कर देना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।